राम राम जी। मैं आपका अपना एक कहो तैयार। और भाई आज अपनी खराउड की लोकेशन है और किसानों ने ऐलान कर रखा था कि भाई 6 तारीख को अपना चक्का जाम करेंगे 12 बजे के बाद। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो चक्का जाम कर रखा है, यहाँ लेडीज बैठी हैं और सिर्फ एम्बुलेंस को निकलने एम्बुलेंस निकल रही है बस यहाँ से, और कोई भी आम पब्लिक नहीं निकल सकती अब कहीं। और कुछ भाई यहाँ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोहतक वाला रोड है, रोहतक, और ये रोड सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। और यहाँ पे ये ट्रक खड़ा कर रखा और इस तरफ ये ट्रेली, जो एम्बुलेंस होगी या फिर कोई मरीज हो गया सिर्फ उसी गाड़ी को निकलने दिया जा रहा है, और कोई भी गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से। और पूछ लेते कुछ किसान भाइयों से कब तक ये चक्का जाम रहेगा। राम राम जी, राम राम। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, कोई ना बोला। आ जाओ, कोई गल नहीं। तो जी ये चक्का जाम कब तक रहेगा? जैसे कल की जो आवाज़ है कि 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। अच्छा जी, तो जिस तरह एम्बुलेंस को और इनको बता रखा था कि हाँ, निकलने दिया जाएंगे, जो भी एम्बुलेंस आया जहाँ कोई भी पेशेंट किसी गाड़ी में भी आया, पर्सनल गाड़ी में भी, उसे हम जाने दे रहे हैं। बाकी सबको लोग भी सहयोग दे रहे हैं इस जाम में। कितना सही होगा लोगों का, कितना सही हो गया लोगों का सहयोग तो आप देख रहे हैं कि बहुत लोग सब सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग यहां पर रुक रहे हैं उनके लिए स्पेशल लंगर भी लगाया है यहां पर। भाई कैमरामैन भाई से मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक बार लंगर दिखा दो भाई वहां पे, वहां लंगर चल रहा हो और यहां चक्का जाम है, ताकि जो आम पब्लिक है उसको भी दिक्कत ना हो, यहां रुके खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, और सहयोग देना। और आम पब्लिक से भी कुछ सवाल जवाब पूछ लेते हैं भाई, तकलीफ तो नहीं है किसी को, तो चलो भाई। हाँ भाई यहाँ पे देख चल, और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये सारे ट्रक वगैरह खड़े हैं, और ये गाड़ी शायद इन गाड़ी वालों से पूछते हैं रुक जाए तो। भाई साहब राम राम। राम राम। आज आपको कोई तकलीफ है क्या इससे? ना भाई कती भी। यो देश और बंद हो जाए और बढ़िया, सब का ताले लगवा दे बढ़िया। मतलब आपने इस चीज तक कोई दिक्कत नहीं? कती दिक्कत नहीं भाई, पाछे ने मेरे यार करना के सही होगा। मैं वो तेरे के साथ भाई पहुंच गया तेरे ए थोड़ा दूर ला ले अपनी। सही, बहुत बढ़िया जी। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लंगर भी चल रहा है, अगर ठीक है कुछ दिक्कत हो तो। भाई कोई दिक्कत रहा मारा है काम ही वाला भाई, लो भाई ठीक है भाई। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ना कि हम खाने पीने की दिक्कत साड़े है, कोई भाई आओ फ्री सेवा है। हाँ, और कोई हमने तो परेशानी नहीं है जी, ठीक है। ये प्रिय कानून वापस हो जाए भाई, यही डिमांड हमारी, यही डिमांड है भाई, ठीक है। तो किमें ना किमें लग गया कानून हो बच्चे, ये तो सारी सरकार ने इतना बहुत कुछ दिया, दो महीना तो भी ऊपर हो लिए। हाँ हो लिए, फिर के कुछ लग गया है पर लेने से ये हमारे हिसाब तक है। चलो देखते हैं भाई, बाकी आप यहाँ का खराउड का नज़ारा देख सकते हो यहाँ पे, नज़ारा बहुत बढ़िया सारा। यहाँ पे आसपास के खराउड गांव के जो आसपास के गांव हैं, जैसे रोहतक के भी बहुत सारे साथी आ रहे हैं, क्योंकि रोहतक में ही आता है खराउड गांव। तो यहाँ पे कुछ लेडीज हैं गीत वगैरह गा रही हैं, और अपने जो अपने हरियाणा की संस्कृति है उस हिसाब से अपना गाना गुना गा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में यही पहले सबसे ज़्यादा चलते थे। और यहाँ लंगर चल रहा है, आपने दिखा दिया भाई क्या क्या कुछ बन रहा है, वो भी दिखा देते एक बार। चलो भाई ये भाई ये लंगर चल रहा है यहाँ पे, और दिखा देते हैं आपको क्या कुछ बन रहा है यहाँ पे।